साथियों, आजादी के बाद महामिलावटी कांग्रेस के राज में पीढ़ियां बीत गई, दशकों बीत गए, लेकिन हमारे देश में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी रही। देश के साथ कांग्रेस की आपराधिक लापरवाही का ही परिणाम है कि जो काम आजादी के बाद पहले 25 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, उसके लिए अब हमें 21वीं सदी में पूरी शक्ति लगानी पड़ रही है। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताइए, आजादी के 25 साल में हर भारतीय के पास अपना खुद का घर, पक्का घर हो जाना चाहिए था या नहीं? होना चाहिए था कि नहीं? आजादी के 25 साल में, पहले 25 साल में हर भारतीय के घर में बिजली का कनेक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आप पूरी ताकत से जवाब दीजिए। ये सागर है। आजादी के 25 साल में हर भारतीय के पास शौचालय की सुविधा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? हमारी माताओं और बहनों को साफ सुथरी जिंदगी और स्वच्छता मिलनी चाहिए थी या नहीं? आजादी के 25 साल में हर भारतीय के पास अपना बैंक खाता होना चाहिए था या नहीं? आजादी के 25 साल में हर भारतीय की रसोई धुएं से मुक्त होनी चाहिए थी या नहीं? आजादी के पहले 25 साल में हर भारतीय के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए थी कि नहीं? भाइयों और बहनों, जो काम 20वीं सदी में आजादी के पहले 25 साल में नहीं हो सके, उसे अब हमारी सरकार 21वीं सदी में आजादी के 75 साल से पहले पूरा करने का लक्ष्य लेकर के काम कर रही है। साल 2022 तक जब आजादी के 75 साल होंगे, हर बेघर के पास उसका अपना पक्का घर हो, हर गरीब के पास शौचालय की सुविधा हो, हर घर में बिजली हो, हर घर में रसोई में गैस उपलब्ध हो, हर गरीब के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, हर गांव सड़क से जुड़ा हो, ऐसी तमाम सुविधाओं के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस और उसके साथियों ने जो जो काम समय पर नहीं किया, उसे पूरा करने में आज देश की जो ऊर्जा, देश का जो पैसा,
देश का जो संसाधन लग रहा है उसके गुनहगार कौन है? कौन है गुनहगार? 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 सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस वाले गुनहगार हैं। मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कांग्रेस सत्ता में रहती तो ये काम भारत की आजादी के 100 साल तक भी पूरा नहीं करती, ये मैं विश्वास से कहता हूं।